झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकशी के बीच अब भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पर लंच का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के विधायक पहुंचे, खुद सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे। राज्यसभा चुनाव की दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर को कैसे जिताया जाए, इस पर रणनीति बनी। मौके पर सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई वार किए। सीएम ने कहा है कि एक तरफ देश पड़ोसी, कोरोना, आर्थिक संकट जैसी परेशानियों से घिरा है, लेकिन बीजेपी सरकार राज्यसभा में विधायकों की तोड़फोड़ और सरकारी उपक्रमों को बेचने में लगी है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पक्की है। इससे पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी ने जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार शिबू सोरेन से उनके रांची आवास पर मुलाकात की। सरजू राज, ये तो राज के मुख्यमंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़के आए हैं, इससे बड़ी उदाहरण और क्या हो सकती है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। आम लोगों का, देश की सीमाएं आज सुरक्षित हैं। आज देश कोरोना से संक्रमित लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सभी चीजें ध्वस्त हुई पड़ी हैं। ऐसे समय में देश बेचो अभियान पे भाजपा लगी है। ये धन बल के खिलाड़ी अब बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। बहुत जल्द इनका भी मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।